नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज गोहाना में जमकर बरसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विपक्षियों को लिया निशाने पर और जमकर आरोप लगाए कांग्रेस और पूर्ववर्ती सरकारों पर। जी हां, हम आपको बता दें कि गोहाना पहुंचे मुख्यमंत्री खट्टर ने पत्रकार वार्ता की और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के आज उनकी यह पहली बैठक थी, जिसमें गोहाना व बड़ौदा के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोहाना पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भाजपाइयों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पत्रकार वार्ता में मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों के तमाम सवालों के बड़ी ही आत्मीयता से जवाब भी दिए। पत्रकार वार्ता में क्या कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, आइए आपको सुनवाते हैं गोहाना से टीम समाचार कैरी की खास रिपोर्ट। कांग्रेस की काली करतूत है, झूठ और सच की हमारी लड़ाई, इसके अंदर सत्यता की जीत होगी। इनके झूठ कहीं भी काम नहीं करेंगे, चाहे वो देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे बड़ौदा हो, कोई झूठ चलने नहीं देंगे। आज जनता सब समझ रही है, ये लोग जाति पाति की राजनीति उसका हवा में बनाते हैं। हम लोगों ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की। 5 साल पहले 6 साल पहले एक नारा दिया था मैंने, हरियाणा एक हरियाणवी है, और लोगों ने उसको सराहा था। चौधरियों की बात, चौधर मेरी चौधर तेरी, चौधरिया की चौधर वहां की, ये तो अपने घर घर में लिए बैठा चौधर। बापू बेटा दोनों हार गए लोकसभा में, जब राज्यसभा की बारी आई तो और कोई व्यक्ति नहीं मिला इनको। एक सीट की बढ़ती थी क्योंकि इनके 33 विधायक थे, कड़ से ऊपर हो जाए तो एक सीट मिल जाती है, पता ही था एक सीट पक्की है। लेकिन क्या हरियाणा में इनके पास और कोई ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं था जिसको राज्यसभा में दे? इनकी चौधर इनके घर की है, जनता के लिए नहीं है। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं और जनता में जाकर के ये सब करते हैं। एक अच्छा समय आया है जब देश आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के नाते से बहुत से बड़े पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है, उसके अलग अलग विषयों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोरोना का एक समय ऐसा आया है जिसके अंदर कुछ सेटबैक भी लगा है चीजों को। अब चूंकि वो एक विश्वव्यापी बीमारी है, इसमें से निकलना, निकल करके और कैसे आगे बढ़ना, नस्ते उसी समय के हिसाब से हम तय करने पड़ेंगे, तय कर रहे हैं। चुनाव भी इस कोरोना के समय का ही है, तो इस बार चुनाव के कार्यक्रम भी अलग प्रकार के होंगे। बड़ी सभाएं करने का तो परमिशन ही नहीं है, छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे, रोज जाएंगे, दोनों पार्टियों को लेके जाएंगे। और हम 1.5 लाख लोगों को व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, लगभग 50,000 परिवारों को। पाकिस्तान जितनी हरकतें करता था उसके खिलाफ कोई एक्शन में लेना होता था तो कांग्रेस अपने समय में करती थी। क्या कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा कुछ ज्यादा हमने कर दिया तो कहीं दुनिया के बाकी देश उसके सहायता करके कहीं परमाणु युद्ध ना शुरू हो जाए, हमारे ऊपर एटम बम ना डाल दे। मोदी जी ने बालाघाट पर ठोक दिया। चाइना के भी जो 20-22 लोग हमारे शहीद हुए, बदले में 50 मारे उनके। आज चाइना को भी आंखों में आंखें डाल के देखने वाला कोई आदमी है तो नरेंद्र मोदी। CAA क्या कहते थे, अगर ये लागू हो गया तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। किसी एक मुसलमान का बाल बांका हुआ, धरने इन्होंने दिए सब षड्यंत्र के रूप में। भारी धन ये इनके पास आता रहा, चाइना के साथ 60-60 की धन में आ गई, कैसे कैसे MOU उन्होंने उस समय किए सब ध्यान में आ रहे। और कई बार चीजों को कैसे खराब किया जाता है उसके लिए थोड़ा कोई विषय इनको मिल जाए उसको बवाल खड़ा करते हैं। हाथरस की घटना, बवाल खड़ा कर दिया, निकला क्या षड्यंत्र। बाहरी विदेशी जगह से षड्यंत्र जारी किए जाते हैं कि सरकार को कैसे अनस्टेबल करना है, कैसे वहां कोई ना कोई ऐसा भयंकर काम कर दो। लैंड ऑर्डर में कोई घटना हो जाती है, होती है तो उसका सरकार का काम है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, दोषी को दंडित करना। लेकिन ये तो घटना हुई नहीं और उसी समय सरकार को बता दो, सरकार को गिरा दो, सरकार नहीं चलने वाली है, ये गठबंधन टूटने वाला है, एक दूसरी चलने वाली नहीं है। इनके कहने से बनाए गए गठबंधन जितना मजबूत पहले था उससे ज्यादा मजबूत है आज। उलझाए ये सब,
और ये घिनौनी हरकतें यहाँ भी करने से बाज नहीं आते हैं। 3 दिन पहले हाँसी में घटना हो गई, और घटना क्या हुई, एक कार में एक व्यापारी की जिंदा मारने की खबर छप गई, 11 लाख लूट लिए, कार में जिंदा व्यापारी को जला दिया। निकला क्या, उसी व्यापारी का एक्सीडेंट था, करोड़ों रुपए का उसने अपना बीमा करा लिया, और बाद में पता लगा कि एक लाश कहीं से अरेंज कर ली उसने, गाड़ी में रख दी, उस लाश को आग लगा दी, बढ़ गया किस्सा कि व्यापारी जल गया मर गया, और व्यापारी मिला कहां से, छत्तीसगढ़ से। जैसे घटना हुई, चाहे वो सुरजे वाला है, चाहे वो गुंडा है, चाहे चल जा है, एक से पढ़ करके गुंडा राज, जंगल राज, ये राज, वो राज। अब कल से ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, इसका कोई बचाव कैसे करें। सहानुभूति, कोई दुर्घटना हो जाए तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन एक एक्सट्रीम पर जाकर के ऐसा बोल जाओ कि बाद में वापिस ना ले सको, डूबना चाहिए। मोदी जी हिम्मत करके सोच आगे करना शुरू करते हैं तो इनका स्वभाव है एक भय दिखाना, जैसे भूत प्रेत का भय होता है ना कि भूत आ जाएगा, वो आ जाएगा। 370 खत्म करने की बात की थी केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि अगर 370 खत्म कर देंगे तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। 1 साल हो गया, कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में, सब शांति से रह रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा शांति है। अब उनको पता है कि अगर कहीं गड़बड़ की और मोदी जी की आंख पड़ गई तो गड़बड़ करने वालों को शामिल। तो मेरा इसमें कुल मिलाकर के कहना यह है कि किसान के हित में जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारी जो गठबंधन की सरकार या केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जितने किए हैं, इतने पिछले आदेश आजाद हुआ तब तक नहीं हुए, तब से कभी नहीं हुए, अब वो इतने हो रहे हैं। लेकिन जिनको तकलीफ हो रही है उनके, क्योंकि उनकी पेटी में कुछ है नहीं, खाली हो गई पेटी, तो उनको कोई ना कोई विषय मुद्दा जो है उठा करके, अभी एक ऐसा मुद्दा उठाया उन्होंने, वास्तव में इसकी बहुत किसानों को तो समझ भी नहीं है ये है क्या। लेकिन चूंकि जैसे होता है, लग जाओ भी लग जाओ, तो वो लग गए, 10-15 दिन उन्होंने सब किया है। आज किसान जो है उनको समझ चुका है, हमने भी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के नाते से हमने किसानों की बड़ी बड़ी रैलियाँ की हैं। कल आपके यहाँ भी ट्रैक्टर रैली थी, उसमें उत्साह में कमी तो नहीं थी, और वो जवाब था उनके लिए। अब वो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, और किसान को हर प्रकार का लाभ ये उनको मिलेगा। आ गया या कहीं प्रदर्शन हो गया, कहीं फोटो आ गए कि किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, हमारा किसान समझदार है, उससे ज्यादा लोग तो अब हमारे जो ट्रैक्टर रैलियां हो रही है उसमें ज्यादा आ रहे हैं, इनके ट्रैक्टरों से ज्यादा है, इनकी संख्या से ज्यादा है। लेकिन चूंकि जो सत्ताधारी दलों का है उसको अपना संयम रखना है, ताकि समाज में लोग भिड़ ना जाए, ये कर रहे हैं गलत।